हेलो दोस्तों, कॉमन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुसिनेक 600 mg टैबलेट के बारे में। ये एफर्विशन टैबलेट है दोस्तों, और इसके अंदर जो साल्ट रहता है एसिटाइल सिस्टीन रहता है 600 mg में। ये सिप्ला कंपनी द्वारा इसका बनाया जाता है। इसका जो ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम है, वो मुसिनेक ही है दोस्तों। आप इसे किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो, सभी का एक जैसा सेम इफेक्ट रहता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि किस किस बीमारी में इसको यूज में लिया जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों, जैसे व्यक्ति को खांसी हो जाती है या फिर कफ फेफड़ों में जमा हो जाता है, या फिर खांसी होने पर भी वो पूरी प्रॉपर तरह से छाती क्लीन नहीं हो पाती, तो उस समस्या को ठीक करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें, किसी व्यक्ति को अगर अस्थमा हो, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट को लिया जाता है। इसके अलावा बात करें कोविड 19 की जो समस्या हुई थी, इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगे थे, सांस लेने में बहुत कठिनाई होने लगी थी, तो उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को यूज में लिया जाता है। ये सूजन रोधी मेडिसिन होती है दोस्तों। जिस तरह अस्थमा की प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को हो जाती है, तो उसको क्या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसके फेफड़ों में या ब्रोंकाइल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस टेबलेट को यूज में लिया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें, अगर किसी को किडनी की समस्या हो या किडनी की प्रॉब्लम, शुरुआती प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया, फिर कोई सूजन वगैरह आ गई हो, तो उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट को यूज में लिया जाता है। और ये दोस्तों, ये बहुत अच्छी टैबलेट इसको माना गया है फेफड़ों के कार्य के लिए। फेफड़ों को बिल्कुल अच्छे तरह से क्लीन करके उनके फंक्शन को अच्छे तरह से मेंटेन करती है, और डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस है दोस्तों ये इस कंडीशन में, जब फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, मुकस जमा हो जाता है। यानी मुकस क्या होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर जमा हो जाता है, वो खांसने पर भी बाहर नहीं निकलता, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को यूज में लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको यूज में कैसे लेना है। एक गिलास लेकर और उसमें यह टैबलेट डाल देनी है। इसमें क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जैसे इनो होती है, इनो की तरह इसका घुलने का प्रोसेस रहता है। और उसके बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह से घोल लें, और पानी दोस्तों गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ना फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इसको जो पीने का प्रोसेस रहता है, इसको चाय की तरह घूंट भर के पीना चाहिए। अब बात करें, इसको छोटे या बड़े दोनों प्रकार के व्यक्ति ले सकते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट को यूज करें। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, जैसे स्किन पे रेड रैशेस हो जाना, या फिर चक्कर आना, नोच या वोमिटिंग हो जाना, डायरिया हो जाना, ये उसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वैसे ज़्यादातर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिले हैं, फिर भी अगर आपको कोई इसके साइड इफ़ेक्ट लगे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वे आपको एक सूटेबल ट्रीटमेंट दे सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।